स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगेन मेंस की तरह देखेंगे इसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Indirect taxation system, indirect taxation system to fulfill the dream, to fulfill the dream of One nation, one taxation system. One nation, one taxation system. तो ये है इंट्रोडक्शन, वन नेशन वन टैक्सेशन, देन इनडायरेक्ट है, एंड देन फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है जीएसटी के बारे में। अब समझते हैं फीचर्स, फीचर्स क्या है। ये एक दो लाइन वो देखे हम लोगों ने यहां पर कि हम कैसे कैसे इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट कर सकते हैं जीएसटी का। ठीक है, बेसिक्स में जा रहे हैं, फीचर्स। सो फीचर्स क्या है, इट इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। Destination based taxation system, destination based, ठीक है, destination consumption, then 101st constitutional amendment act के थ्रू ही आया था, constitutional amendment act। कितने स्लैब्स हैं इसमें, स्लैब्स 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, एंड देन डिफरेंट टैक्सेस, कौन कौन से डिफरेंट टैक्सेस है इसमें, CGST, then SGST, then IGST, और एक और है UTGST। वन टू थ्री फोर, ठीक है, CGST, SGST, IGST एंड UTGST। एंड फिफ्थ फीचर है GST Council, GST Council अंडर आर्टिकल 279A, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो अभी हम इसके और डेप्थ में जाएंगे, क्या क्या चीजें हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, ये 512, 18, 28% एंड जीएसटी काउंसिलों से और डेप्थ में समझेंगे जीएसटी काउंसिल को। तो पहले ये नोट कीजिए क्या चीजें हैं। कंजम्पशन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है कि जहां पर उस प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन होगा, मान लीजिए गुजरात में नैनो बन गई है, गुजरात में नैनो बनकर तैयार है, लेकिन उसे परचेज फाइनली बिहार के एक व्यक्ति ने किया है, बिहार के एक पर्सन ने उसे परचेज किया है, तो नैनो बिहार जाएगी और बिहार उसका डेस्टिनेशन हो गया है, तो बिहार में जाकर जीएसटी लगेगा, बिहार में जाकर जीएसटी लगेगा। तो इसलिए जहां पर उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन हो रहा है, जहां पर उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन हो रहा है वहां पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या इवन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, देन कौन सा अमेंडमेंट, 101st CAA,
आर्टिकल 279A से जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया है। जो डिफरेंट टैक्सेस है वो समझते हैं। ये कभी डिफरेंट टैक्सेस आपको यूपीएससी लिखने के लिए नहीं बोलेगा मेंस में, लेकिन हम इसे केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग फीचर्स देख रहे हैं, तो हम लोग अपना प्रीलिम्स का टॉपिक भी यहीं पे कवर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अब देखने जा रहे हैं डिफरेंट टैक्सेस। डिफरेंट टैक्सेस, सबसे पहला क्या है? सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। वैसे एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट। ये कौन सा है? सेंटर, ठीक है। ये कौन है? स्टेट। फिर आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड। एंड देन फोर्थ है यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, तो जो सीजीएसटी के अंदर पैसा आता है, सीजीएसटी के अंदर पैसा आता है, उसे कलेक्ट कौन करता है? सेंटर। कलेक्शन अथॉरिटी कौन है? कलेक्शन अथॉरिटी यहां पर सेंटर, ठीक है। यहां पर स्टेट, यहां पर अगेन सेंटर, यहां पर सेंटर या फिर यूटी। ठीक है, जो सीजीएसटी के अंदर पैसा आता है वो फाइनली डिवाइड होता है किसमें? सेंटर और स्टेट्स में। सेंटर और स्टेट्स में सीजीएसटी का पैसा डिवाइड होता है। डिवाइड करने का जो फॉर्मूला है, डिवाइड करने का जो फॉर्मूला है वो कौन तय करता है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, ध्यान से सुनिएगा, कौन तय कर रहा है? फाइनेंस कमीशन तय कर रहा है। जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर पैसा आ रहा है, सीजीएसटी से जो पैसा आ रहा है उसे डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट में। डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट में वो पैसा, वो कौन तय करता है? वो तय करता है फाइनेंस कमीशन। उस फॉर्मूले को तय करता है फाइनेंस कमीशन। स्टेट वाला जो पैसा वो स्टेट के पास ही रहेगा, उसमें कोई डिविजन नहीं होता है। आईजीएसटी, आईजीएसटी के अंदर जो पैसा आता है उसे कौन डिसाइड करता है कि कौन सा फॉर्मूला होगा? उसे डिसाइड करती है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी काउंसिल। डिवीजन, डिवीजन ऑफ आईजीएसटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। डिवीजन ऑफ आईजीएसटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, इसका फॉर्मूला कौन तय करता है? इसका फॉर्मूला तय करते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल वहां पर कौन तय कर रहा है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन तय कर रहा है फॉर्मूला, यहां पर जीएसटी काउंसिल, यहां पर जीएसटी काउंसिल, ठीक है। सीजीएसटी वाला जो पैसा है, सीजीएसटी वाला जो पैसा है, यानी अगर किसी को सीजीएसटी में पैसे भरने हैं तो ये दोनों जगह पे यूज किया जा सकता है। सीजीएसटी में तो यूज किया ही जाएगा, साथ ही साथ आईजीएसटी में भी यूज किया जा सकता है। द मनी कैन बी यूज फॉर सीजीएसटी एज वेल एज आईजीएसटी बट नॉट फॉर एसजीएसटी, बट नॉट फॉर एसजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी का जो पैसा है वो इवन सीजीएसटी में तो यूज होगा ही होगा, या फिर आईजीएसटी में भी यूज हो सकता है, लेकिन एसजीएसटी में यूज नहीं होगा। एसजीएसटी में यूज नहीं होगा। सिमिलर थिंग गोज विद एसजीएसटी। एसजीएसटी का जो पैसा है वो एसजीएसटी में हो सकता है या फिर आईजीएसटी में हो सकता है, लेकिन सीजीएसटी में नहीं होगा, ठीक है। वो पैसा सीजीएसटी में यूज नहीं हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर प्रीलिम्स में हो सकता है कंफ्यूज कर दे कि जो एसजीएसटी का पैसा है वो सीजीएसटी में भी यूज हो सकता है, सो रॉन्ग। या फिर ये बोल दे जो सीजीएसटी का पैसा है वो इवन एसजीएसटी में भी यूज हो सकता है, अगेन रॉन्ग। सीजीएसटी का पैसा सीजीएसटी या आईजीएसटी में ही यूज होगा, ठीक है।
एसजीएसटी का पैसा एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी में यूज होगा। जो आईजीएसटी का पैसा है, जो आईजीएसटी वाला पैसा है वो सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी या फिर अगेन आईजीएसटी इसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है, आपके लिए ये दोनों चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्योंकि वो यहां पर कंफ्यूज कर सकता है आपको यूपीएससी कि आखिरकार क्या चीज है इन दोनों में। जो सीजीएसटी में जब आप पैसा भर देते हो तो क्रेडिट मिलता है, ठीक है, क्रेडिट मिलता है, तो ऐसे में क्या होता है आप सीजीएसटी में भी उस क्रेडिट को यूज कर सकते हो एज वेल एज उस क्रेडिट को आप आईजीएसटी में भी यूज कर सकते हो। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है समझने में, लेकिन आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बस ये याद रखना है कि अगर आ गया लिखा हुआ कि क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी कैन बी यूज्ड इन एसजीएसटी तो उसे रॉन्ग मार्क करना है। आपको यहां पर बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बस इतना समझना है कि अगर क्रेडिट आ गया, सीजीएसटी वाला क्रेडिट आ गया आपके पास, तो यू कैन यूटिलाइज दिस क्रेडिट इन सीजीएसटी एज वेल एज टू फिल आईजीएसटी, लेकिन एसजीएसटी में यूज नहीं कर सकते, एसजीएसटी में यूज नहीं कर सकते। प्रीलिम्स का कंसेप्ट है, इसलिए इतना डेप्थ में नहीं जाना है हम लोगों को, बस आपको पता रहना चाहिए कि अगर क्रेडिट है वहां पर, सीजीएसटी का क्रेडिट है आपके पास, आपने भर दिया टैक्स, कुछ क्रेडिट है आपके पास, तो यू कैन अगेन यूटिलाइज दैट थिंग फॉर सीजीएसटी या फिर फॉर फिलिंग द आईजीएसटी बट नॉट फॉर एसजीएसटी, इतना पता रहना चाहिए। अगर एसजीएसटी भरा है, कुछ क्रेडिट है उसमें आपके पास, तो देन यू कैन यूटिलाइज दैट क्रेडिट टू फिल योर एसजीएसटी, ठीक है, या फिर आईजीएसटी बट नॉट फॉर योर सीजीएसटी। सीजीएसटी के लिए आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो चीज बताया गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझको भी पता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि भैया अगर प्रीलिम्स में आ गया कुछ इस तरीके का तो मैं टिक करके क्या आना है, मुझे इतना समझ में आना चाहिए। सीजीएसटी का क्रेडिट जो है वो आप सीजीएसटी के लिए या आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो, एसजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आसान भाषा में इतना ही समझना है इसमें। एसजीएसटी का क्रेडिट आप किसमें यूज कर सकते हो, एसजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी के लिए ही या फिर आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो, ये है, इतना समझना है। और आईजीएसटी का क्रेडिट आप आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी इन तीनों में ही यूज कर सकते हो। तो ये चीज है सर, क्रेडिट कैसे यूज करना है, क्रेडिट कैसे यूज नहीं करना है, वो बहुत टेक्निकल डिटेल्स में चले जाएंगे फिर हम लोग, लेकिन अभी हमें बस प्रीलिम्स अप्रोच में इतना समझना है कि सीजीएसटी का अगर कोई क्रेडिट है हमारे पास तो हम केवल उसे सीजीएसटी और आईजीएसटी को फिल करने में यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड का पॉइंट ये है बनाने का कि कई बार क्या होता है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो वन स्टेट से सेकंड स्टेट में जा रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसे में कौन कौन टैक्सेशन ले लेगा, ऐसे में कौन कौन टैक्स ले, तो उसके लिए हम लोग आईजीएसटी ले आते हैं, उसके लिए हम लोग आईजीएसटी ले आते हैं ताकि फाइनली सेंटर से कलेक्ट कर ले एंड देन फिर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये चीज होता है उसमें, ठीक है, ऐसा किया जाता है उसके अंदर आईजीएसटी। कई बार उसे इंटर स्टेट जीएसटी भी बोला जाता है, कई बार उसे इंटीग्रेटेड जीएसटी भी बोला जाता है। एंड यूटी क्रेडिट, जो यूटी क्रेडिट होता है वो है किसमें जाएगा, यूटी जीएसटी में एज वेल एज योर आईजीएसटी में, ठीक है, यूटी जीएसटी एंड इन योर आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर यूटी जीएसटी, उसी में जाएगा वो चीज, ठीक है।